सिद्ध तारे पिंड आपना साधु तारे खन उसको सतगुरु जानियो जो तार द्रवे ब्रह्मंड। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धूरी पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ तथा 3 दिन तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यह भंडारा 7 नवंबर से 9 नवंबर तक 3 दिन तक 2400 घंटे चलेगा। आइए अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धूरी पंजाब में अखंड पाठ की चल रही तैयारियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने वाले सभी भक्तों की यहाँ पर चेकिंग की जाती है, उनके सामान से लेकर, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। यह संत रामपाल जी महाराज जी का प्रणाम स्थल है, जहाँ पर आने वाले भक्त संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी भी तैयारियां चल रही हैं, फूलों से प्रणाम स्थल को सजाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार इस सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अन्य क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि मेरे बाएं तरफ दिखाए कि जूता घर बनाया गया है, जहां पर आने वाले भगत अपने जूते के जोड़ को जमा कर सकते हैं तथा टोकन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक परेशानी होने पर आप यहां पर प्रथम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पुस्तकालय घर बनाया गया है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की पुस्तकें, उनके स्वरूप मालाएं तथा भक्ति से जुड़ी सारी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामने आप दीवार पर देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलग अलग स्वरूप सजाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहां से पुस्तकें प्राप्त करते हैं। आगे हम आपको लेकर चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, जहां पर यह पंडाल सजाया गया है। सामने आप देखेंगे कि गरीबदास जी की वाणी का अखंड पाठ के लिए जो तैयारियां की गई हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो आगे लेकर चले। आश्रम में हर प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो खाने पीने से लेकर हो। अब जैसे कि ठंड शुरू हो गई है तो रजाई कंबल की भी व्यवस्था की गई है। सामने आप देखेंगे कि पाठ स्थल सजाया गया है, और भी जो भी तैयारियां शेष रहती हैं वो सेवादार लगातार बने हुए हैं। दिन रात यहां पर सेवादार लगे रहते हैं, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये 3 दिन का विशाल भंडारा चलना है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, आने वाले अनुयायी किसी प्रकार का कोई कष्ट महसूस ना करें तथा 3 दिन तक चलने वाले भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यहाँ पर सेवादार भी आए हुए हैं, जो कि 3-4 दिनों से यहाँ पहले ही आ जाते हैं, ताकि आश्रम में हर प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। आप ये देख सकते हैं कि माइयों की तरफ भी अलग से पाठ की व्यवस्था की गई है। माइयों तथा भक्तों की दोनों की तरफ अलग अलग अखंड पाठ जो 3 दिन तक किया जाएगा। इस तरफ माइयों के बैठने की उठने की व्यवस्था की गई है, सामने रजाई कंबल ओढ़ने बिछाने के लिए। यदि आप आश्रम में आएंगे तो आप पाएंगे कि एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक के लिए भी हर एक प्रकार का, भी उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उसकी व्यवस्था की जाती है। आगे मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो भंडार घर की तरफ चले। हम आपको दिखाएंगे कि भंडार घर में किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो 3 दिन का पाठ होता है, उसमें किस प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है, कितने सेवादार इसमें हिस्सा लेते हैं और किस प्रकार की व्यवस्था बनती है। सामने माइयां
फुलका प्रसाद बनाती हुई बड़ी तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दिन रात ये सेवा निरंतर चलती रहती है, दिन रात ये भंडारा निरंतर चलता रहता है। 3 दिन तक भंडारे में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आती। आप चाहे दिन में खाओ चाहे सुबह खाओ, आपको हर तरह की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मिलेगी। जो भी बड़े बड़े बर्तनों में, जिन बर्तनों में भंडारा बनता है, वह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर उनकी सफाई करते हैं। दिन रात एकजुट होकर संत रामपाल जी के महाराज जी के भक्त यह सेवा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलने वाले 3 दिन तक विशाल भंडारे के लिए यह लड्डू तैयार किए गए हैं, जो कि 3 दिन तक लगातार 2400 घंटे आने वाली संगत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। साथ में ही जलेबी प्रसाद भी तैयार किया गया है। एक बात आप और देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पूरी शुद्धता के साथ देसी घी में यह भंडारा तैयार करते हैं, जो कि 3 दिन तक लगातार दिन रात चलता है। आप भी आकर इस भंडारे का आनंद प्राप्त कर सकते हैं।